हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको हाथ से मलाई से मक्खन कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मलाई को इस बड़े वाले भगोने में खाली कर दिया है। अभी थोड़ी सी मलाई मेरी और बची है, इसको मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि इसमें जगह नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ 5 मिनट में हाथ से बिना किसी मशीन को यूज़ करे हुए हम कैसे हाथ से मक्खन निकालते हैं, वो भी चुटकी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से मैं इसको मच लूँगी। एक मिनट में अपनी चूड़ियों को थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी चूड़ियाँ ऊपर कर ली हैं, पर एक फिर भी नीचे आ गई है। अब मैं इसको इस तरीके से मच लूँगी और मैं आपको आपके सामने ही इस पे मक्खन निकाल के दिखाऊंगी। अभी मेरे पास ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, कोई वीडियो को पॉज नहीं किया है। आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से, ये देखिए इसने अब ये इकट्ठा होने लगा है और ये आप देख सकते हैं इससे जो है जो मट्ठा होती है वो साइड में निकलने लगी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मट्ठा साइड में निकल रही है और ये हमारा मक्खन बन रहा है। बस इसको मैं 2 मिनट इसी तरह और चलाऊंगी। ये देखिए आप, यदि आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा मक्खन बनके तैयार है, आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालूंगी क्योंकि आजकल थोड़ा गर्मियां हैं, गर्मी स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालूंगी। आप देख सकते हैं ये कोने में हमारी मट्ठा निकल गई है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। मैंने वीडियो को पॉज भी नहीं किया है और ये देखिए ये हमारी साइड में मट्ठा निकल गई है और ये हमारा जो है मक्खन हमने अपने हाथ से ही तैयार कर लिया है। तो अभी मैं आपको मक्खन और मट्ठा अलग करके दिखाती हूँ, इसके लिए मुझे जो है वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने कितनी जल्दी से 5 मिनट में अपने हाथ का यूज़ करते हुए बिना किसी मशीन से मलाई से मट्ठा को अलग किया है और मक्खन निकाल लिया है, ये देखिए। तो अभी मैं आपको मक्खन निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपके सामने ही मलाई को मक्खन को निकाल रही हूँ इस बर्तन में। ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें ही मैं इसको बनाऊंगी। आप ये मत समझिए कि कढ़ाई आपको खराब दिख रही होगी, पर ये कढ़ाई लोहे की है, पानी का यूज होने से ये इस तरीके से होती है। अगर हम इसमें कोई भी कढ़ी वगैरह बनाते हैं तो ये कढ़ाई बिल्कुल साफ चमक जाती है। ये देखिए इस तरीके से मैंने मक्खन निकाल लिया है और मट्ठा को अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं अभी भी इसमें थोड़ा सा मट्ठा है, इसको मैं साइड कर लूँगी और इसे फिर मैं घी बनाने के लिए रख दूँगी। तो आपने देखा किस तरीके से 5 मिनट में बिना कोई मशीन को यूज़ करे हुए हम मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।